सितारे रहेंगे, हम एक दूसरे के सहारे रहेंगे। नजदीकियां क्या हो दूरियां, बस प्यार ही रहेगा दरमियां। नहीं धूप का ठंडी छाया देगा हरदम, पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता तेरे आइए अंदर आइए, अंदर आइए, अंदर बैठे। आदि पूज्यं गणाध्यक्षं उमापुत्रं विनायकं मंगलं परमं रूपं श्री गणेशं नमः। और बताइए कैसा चल रहा है? जी बहुत ही अच्छा चल रहा है। मानो भैया आपने तो हमारी जिंदगी बदल दी। पहले हमें दो वक्त की रोटी ठीक से नसीब नहीं होती थी, आज हम बच्चों के लिए मिठाइयाँ लेकर जाते हैं। मानो बेटा, मेरी आई कहती थी कि हर एक की जिंदगी में एक बार देवदूत से मुलाकात हो ही जाती, और आप तो हमारी जिंदगी में देवदूत बनकर आए हैं। अरे इतना बड़ा मुझे मत बनाइए, बस पप्पा मेरी मदद कर रहा है और मैं आप लोग की मदद कर रहा हूँ। ये आपके, ये आपके। मानो भैया एक विनती है। बोले कल मुझे और थोड़े रुपए की जरूरत पड़ेगी। हाँ थोड़ा जल्दी आ जाए, हो जाए। हाँ चल। मानव दादा नमस्ते। हाँ ये मैं, नमस्ते, ये मैं असल लाया हूँ। आज मैं ब्याज नहीं दे पाऊंगा। ब्याज क्यों नहीं देगा? अबे नाटक बंद कर अपना, समझा ना। और अपन लोगों ने एहसान करने का ठेका नहीं लिया है, चल पैसे निकाले जिंदा कनपट्टी के नीचे। अच्छा सुन सुन, एक मिनट उसकी बात तो सुन ले। क्या हुआ बताइए? दादा आज एक कस्टमर ने पेमेंट नहीं किया, कहने लगा माल खराब है, पैसे नहीं दूंगा। मैंने तो उसे माल अच्छा ही बेचा था, और जब मैंने उसे अपनी बात कहनी चाही तो वो मुझ पर दादागिरी करने लगा। जात का बैदा मारू उसका। चल मेरे साथ चल, चेहरा देखना चल। जी अरे शिवो सुन, मेरी बात तो सुन एक मिनट। दादा आप टेंशन मत लो, मैं हूं ना। अरे शिवो, शिवो मानव, डोंट वरी, इस मामले में शिवो हमसे चार कदम आगे है। अब देखना, तो देखना ये काम वो दो मिनट में रफा दफा करके लौटेगा, और वो भी अपने स्टाइल से। क्या बात है, आज वापस नहीं जाना है? नहीं मतलब मुझे अच्छा लगा आज आप मेरे साथ। आज काफी दिनों बाद आपका यहाँ आना हुआ है। लेकिन धर्मेश आप जब से आए हैं आपने अपना मोबाइल की स्विच ऑफ किया हुआ है, आपके घर वालों को टेंशन हो रही होगी। किसी को कोई चिंता नहीं है मेरी, मेरे होने या ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम अपने आप को ही देख लो, जब तुम्हारे साथ नहीं होता हूं तो शिकायत करती हो, और आज जब मैं तुम्हारे साथ हूं तब भी तुम्हें तकलीफ हो रही है। ऐसी बात नहीं है धर्मेश, वो आप कभी इतने समय तक रुकते नहीं है ना, तो मुझे लगा कि शायद कोई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? माधुरी मेरी जिंदगी में जितनी प्रॉब्लम्स हो सकती थी सब हो चुकी, अब कोई नई प्रॉब्लम का कोई चांस नहीं। अरे धर्मेश है क्या? सर धर्मेश सर तो अभी तक ऑफिस नहीं आए। ठीक है, ओके सर। ओहो लगता है झगड़ा खत्म होने का सेलिब्रेशन मनाया जा रहा है। वैशाली से सुलह क्या होगी? धर्मेश सर ऑफिस आना ही बोले, अभी देखता हूँ। धर्मेश
पता नहीं ये सतीश बार बार क्यों फोन कर रहा है। जब भी फोन पे इसका नाम दिखाई देता है मेरा जी घबराने लगता है। पता नहीं कब क्या हो जाए। और अभी तो इसका फोन चल रहा था, अभी अचानक से कैसे बंद हो गया? अच्छा, ये तुम्हारे लिए। मानव, ये क्या है? तोहफा। किस खुशी में? बस ऐसे तोहफा देख के तुम्हारे चेहरे पे खुशी आती है और तुम्हारी खुशी देख के मैं खुश हो जाता हूँ। थैंक यू मानव। अरे ये आई पापा के लिए। मानव, आपने आपने आई पापा के लिए गिफ्ट लिए? बहुत अच्छा किया मानव। अच्छा आप बैठिए, मैं आपके लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। अंगूर। मानव, आपसे कुछ कहूँ, आप मेरी बात मानेंगे? आज तक तुम्हारी बात कोई टाली? बोलो। मानव, जब तक वैशाली यहाँ पर है तब तक आप एक दिन यहाँ पर रहिए और एक दिन आई बाबा के घर पर रहिए ना, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। मानव, मैं जानती हूँ कि आप आई बाबा को बहुत मिस करते हैं और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप वहाँ पर जाकर रहें। और वैसे भी हमें कोई ना कोई तो रास्ता निकालना ही पड़ेगा ना। जैसे कभी ना कभी तो वैशाली यहाँ से जाएगी ना, और फिर तब तो हम सबको फिर से एक दूसरे के साथ रहने की आदत हो जाएगी। फिर इससे तो अच्छा है कि हम अपनी आदतें ना ही बिगाड़े तो अच्छा। मानव, मेरे पास एक और रास्ता है। मानव, जब वैशाली इससे चली जाएगी ना तो एक दिन मैं आपके साथ रहूंगी और एक दिन आई के घर चली जाऊंगी। अपनों के साथ रहने की आदत प्यार बढ़ाती है, ना कि उसे तकलीफ होती है। अर्चना, ये सच में बहुत अच्छा आइडिया है। हाँ मानव, तो फिर आज से ही शुरुआत करें, आप आई के घर जाकर रहिए। लेकिन अर्चना, कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा? जब तक आई मुझे स्वीकार नहीं कर लेती तब तक। और अगर उन्होंने कभी स्वीकार है नहीं तो? मानव, ऐसे क्यों सोच रहे हैं? वो मुझे कभी ना कभी जरूर स्वीकारेंगे। फिर तो ठीक है, लेकिन क्या हुआ? नहीं, वो मैं सोच रहा था कि एक दिन के बाद एक दिन तुमसे दूर रहना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ना। अच्छा, अभी तो आपको मेरा आइडिया बहुत अच्छा लगा था। डर तो मुझे लगना चाहिए कि कहीं वहां आई के यहाँ जाके आप मुझे भूल भूल गए तो। आउच, मानव अभी क्या करें? मानव, आप पागल हो गए क्या? मानव, मानव ये क्या है? अगर आपको नहीं खाना तो मत खाइए, लेकिन इस तरह अंगूर मत पीजिए। मानव, मानव आप ये क्या कर रहे हैं? प्लीज छोड़ दीजिए मुझे। आज रात हम लोग अलग है ना, तो उसी का हिसाब छुट्टा करो। मानव आप पागल हो गए। पागल? हमारी तरफ इसे प्यार कहते हैं, पागल नहीं। मानव आप बिगड़ चुके हैं। और बिगाड़ा किसने? तुमने। और अब मेरे सुधरने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये लो, ये फिर वापस आ गई कबाब में हड्डी। समझ में नहीं आ रहा है कि चक्कर क्या है। अरे वैशाली, हम लोग तुम्हें ही फोन कर रहे थे। क्यों, क्या हुआ? वो आज रात को हम लोग सोच रहे हैं कि सब बाहर जाके खाना खाएं, तो तुम तैयार हो जाओ, मैं हम लोग चलते हैं, है ना? ठीक है। क्या बात कर रहे हो दादा?
आपके पास में इससे भी बड़ी गाड़ी हुआ करती थी, और अब कहाँ है? शिबू समय बदल गया, गाड़ी हवा हो गई। एक बात कहें दादा, इंसान का समय उसके कर्म के मुताबिक बदलता है। कर्म अच्छा होगा तो बुरा वक्त बदलेगा, कर्म बुरा होगा तो जो अच्छा वक्त होता है ना हवा हो जाएगा। तेरी उम्र क्या है? 20 साल। सुनो बातें सुनो, संत महात्माओं जैसे मुझे नसीहत दे रहा। एक्चुअली शिबू तू कह रहा वो गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। मुझे गुस्सा इस बात का आ रहा है कि इतनी कम उम्र में तूने ये बात समझ ली, लेकिन मुझे समझने में इतनी देर कैसे लग गई। अरे छोड़, अब सैंडी है कहाँ? यार समय तो ज्यादा हो गया, अभी तक तो आ जाना चाहिए था। यही बोला था ना? हाँ यही बोला था। अरे हमेशा की आदत है इसकी, कमाल, हमेशा लेट आता था। भाई साहब माचिस मिलेगा? माचिस? तूने क्या मुझे चलती फिरती पान की दुकान समझा गया? सीधा आकर माचिस मांग रहा मुझसे? हाँ अच्छा, क्या समझा क्या तूने? मुझे बोल रहा है तू माचिस मांगता है? तो? अरे भाई कैसा है तू? अजीत, अरे कैसा है तू यार, कितने साल के बाद मिल रहे हो? लो कर लो बात, ये तो ऐसा हुआ जैसे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। बिल्कुल, सर्कल तूने तोड़ा, गायब तू हो गया और डोज हम पे जमा रहा है। और बता कैसा है तू? बस एकदम फिट एंड फाइन, तू बोल। बस एकदम ठकाठक झकास हमेशा की तरह। राकेश यहाँ खड़े खड़े बात करते रहेंगे यार, मैं तो थक जाऊंगा। कहीं चलते हैं? हाँ चलते हैं, चलो। हाँ पुराने अड्डे पर? नहीं नहीं नहीं, वहाँ नहीं, मैंने जुआ खेलना बंद कर दिया है। यार तुझे खेलने कौन बोल रहा है, साथ चलकर बैठ तो सकता है। बिल्कुल। खाएंगे पिएंगे। अरे चलना यार। अरे नहीं नहीं, वहाँ नहीं, कहीं और चलते हैं। यार तूने दोस्तों की बातें ठुकराना कब से सीख लिया? और या फिर हमें दोस्त तू मानता नहीं है? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। अच्छा तो फिर चलते हैं, खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे। लेकिन 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 सब देखूंगा, खेलूंगा नहीं। ओके मेरे बाप, चल चल राकेश, चलो चलते हैं। शिबू शिबू काम कर, तू निकल, मैं जरा दोस्तों के साथ होकर आता हूँ। एक काम कर, जाते हुए वंदिता वहिनी को मिलते जाना, बोलना कि मैं थोड़ा देर से आऊंगा। और वो जुए वाली बात? अरे मेरे बाप, जुआ नहीं खेलूंगा मैं, ठीक है? ले ये ले। ताई कहाँ है? अरे 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 वैशाली, आराम से आराम से, इस हालत में तुम्हें संभल के चलना चाहिए। अर्चना कहाँ हो तुम? मानव ये क्या मजाक है? आपको पता है मैं कितनी डर गई थी? मैं हम लोग ऐसे ही तुम्हें। अरे अर्चना। अरे ताई, कमाल का घोटालेबाज है, एक के साथ दीवार के पीछे तो दूसरी के साथ अखियां मीचे। लाचरम नाम की तो कोई चीज ही नहीं रही, घोर कलयुग आ गया रे देवा, घोर कलयुग। अजीत चलेगा? नहीं नहीं, और एक बात तू भी मत भूल, मैं यहाँ पर नाक खेलने के शर्त पर आया हूँ। चलो यार अजीत भाई, एक गेम तो खेलो यार, हमने आपका बहुत नाम सुना है पत्ते में। अरे नहीं भाई, वो दौर कुछ और था, अब सब कुछ बदल गया है, मैं भी बदल गया हूँ, मैंने ये सब खेलना छोड़ दिया है। आप लोग खेलो, मैं देखूंगा। अजीत सिर्फ तेरा हाथ ही नहीं, तू पूरा का पूरा लकी है। अरे क्या बात कर रहा है। देखना आज तू मेरे साथ बैठा नहीं और मेरी किस्मत बदल गई। आज की जीत
अजीत के नाम। आज सबको मेरी तरफ से दारू। मैं एक मिनट हाथ धो कर आई। बैठ। यहाँ पाव भाजी बहुत अच्छी मिलती। हाँ। अरे सुनो बेटा, इधर आ। ये कैसे दिए? दादा 5 रुपए का एक गुलाब। 5 रुपए के एक? एक देना। थैंक यू दादा। जी जो आपको पता है, मुझे गुलाब बहुत पसंद है। बचपन में मुझे इसकी वजह से डांट पड़ी थी। कैसे? अरे गुलाब चोरी करते वक्त माली ने और प्रिंसिपल ने देख लिया था और फिर मुझे बहुत डांटा था। ठीक है ना, तुम ये रख लो। अरे पर एक मिनट ड्राइवर, कार रुको। वैशाली, और यहाँ मानव के साथ, वो भी अकेले। ड्राइवर चलो। क्या बातें हो रही है जीजा और साली के बीच में? हम दोनों मिलकर तेरी खिंचाई कर रहे थे। मजाक कर रही। जीजू ताई को दो। अच्छा ये तुम्हारे लिए। थैंक यू मानो। अच्छा बताओ तुम लोग क्या खाओ? पाव भाजी? हाँ। गाना 3 पाव भाजी देना। जल्दी उठ के जाना है। नहीं मुझे यहाँ नींद नहीं आती, मैं बाहर। अरे नींद का सवाल नहीं आता है, मैं विनती कर रही हूँ, सुनो ना। ये विनती है? हाँ। तो फिर धमकी क्या होती है? गलत। मानव? अरे बेटा मानव, आना आना राजा। आज मैं यहाँ रहने आया हूँ। रहने मतलब? मतलब भाई, मुझे तेरी और बाबा की बहुत याद आ रही थी ना, मुझे तेरी गोद में सर रख के सोना है। तू मजाक तो नहीं कर रहा ना बेटा? मैं मजाक क्यों करूं भाई, और सिर्फ आज ही नहीं, मैं सोच रहा था कि एक दिन छोड़ के एक दिन मैं तुम लोग के साथ ही रहूं। तू ना तो नहीं कहेगी ना? कैसी बातें कर रहे बेटा तू? जा, अब जाके बाहर सो जाना, मैं मेरे बेटे के साथ इधर ही सोऊंगी। आई लोरी सुनाना। चल पागल, तू क्या सच्चू है मेरा? सच्चू नहीं हूं, लेकिन तेरा बेटा तो अब बच्चे चाहे जितने भी बड़े हो, चाहे अपनी आई के लिए हमेशा बच्चे ही होते, बहुत सुकून मिलता है। तू हमेशा के लिए यही रहने आना, मैं तुझे रोज ऐसा ही तप तपा कर सुलाऊंगी बेटा, आएगा ना? आऊंगा, जरूर आऊंगा, और फिर हम सब साथ में रहेंगे। Thank you.
क्यों अर्चना? इतने दिनों से मैं जिसकी तलाश कर रहा था, तुमने मुझे वो खुशी दी। I love you. My love. I love you too. माना, मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ।